डॉग शॉपों से मत लिया करो। क्या बदतमीजी कर रहे हो यार? मैं खा मखा चला चला डबर। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फिलहाल हो गया हमारी कोचिंग का टाइम, हम निकल रहे हैं अपनी कोचिंग के लिए। और मैं ना दानों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये दाना धीरे धीरे करके जा ही रहा है कि मेरे एक होंठों पे ये दाना निकल आया है, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब मैं मुंह छू रहा हूँ, मुंह धुल रहा हूँ, उस पर टच हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये सब मेरी दाढ़ी की वजह से हो रहा है। और छोटे छोटे दाने शायद मेरी दाढ़ी के अंदर भी आ रहे हैं, जो कि दर्द हो रहे हैं। यहाँ पे टच करने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और दाढ़ी अभी बनवा नहीं सकते, सावन चल रहा है, सावन खत्म होगा 12 या 13 तारीख को। तो 12 13 तारीख के बाद ही जो है हम अपनी बाल दाढ़ी कटवाएंगे। भाई सच में मैं लिटरली जंगली लग रहा हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी आज से पहले मेरी कभी नहीं हुई। सावन से पहले कटवा नहीं पाए ना, और सावन में बाल कटाए नहीं जाते, इसलिए मैं कटाऊंगा नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ कोचिंग, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को याद होगा ये पार्ट हमने बहुत ही मेहनत से चिपकाया था मिट्टी से, और मतलब बहुत ही मजबूती से चिपक गया था। लेकिन कल जब मैं कोचिंग गया था ना, वहां पे मैंने बाइक खड़ी करी और देखा तो ये अपने आप टूट गया। भाई ये ऐसे चिपक ही नहीं पाएगा, ये इतना जो पार्ट है वही बदलवाना पड़ेगा। तो अब इस पार्ट को जल्दी अब हम बदलवा ही देंगे सीधे, अब चिपकाएंगे कुछ नहीं यार। सबसे पहले पढ़े फिजिक्स की कोचिंग, उसके बाद पढ़ने गए हम बायो की, जो कि पढ़ाते हैं सर छत पे। और हमने ये चेक किया कि ऊपर निकला हुआ है रेनबो, जिसे देख के हम डांस करने लगे गाइस। तो यार फाइनली बैक होम फ्रॉम कोचिंग 7:40 पे, और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब है मैं क्या बताऊँ। आज ना मैंने दोपहर में व्लॉग एडिट कर दिया था, अपलोड कर दिया था, तो उस पर 2 घंटे तक कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, और कॉपीराइट क्लेम आया अभी उस सॉन्ग पे जो कि नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग था, मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में यूज़ कर रखा था, उन पे नहीं आया, आज वाले पे आ गया। तो मैंने ट्यूशन में उसे एडिट किया थोड़ा सा, बिकॉज सर को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो एडिट किया उसके बाद रेंडर कर लिया, फिर से ब्लॉग अपलोड करेंगे। दिमाग खराब हो जाता है यार जब नॉन कॉपीराइट साउंडों पे भी कॉपीराइट आने लगे, तो फिर क्या ही बचता है इस धरती पे। क्या बात, दोस्ती करनी है क्या उससे? कौन है मामा? देखो खड़े हैं मामा के पास, कल्लो लो आ गए तो जलन हो रही है, लेकिन इन्हें इधर वाले से भी लड़ाई करनी है, वहाँ जलन भी हो रही है। करें तो करें क्या भाई, दो ही पैर हैं, उधर जाएं या उधर जाएं, उधर ही जाएंगी। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। चल क्या कल्लो, ओ कल्लो कल्लो गुर्रा रही इस पर नहीं कर लो, अभी कल उनका काम तमाम कर देगी। अरे नहीं कर लो यार, काहे दांत गिरा रहे हैं। जज्बात में खो लेना। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक्चुअली कल रात में आपने देखा होगा हैनी टहल नहीं थी, और कल्लो इनकी लड़ाई होते होते रह गई। और आज के व्लॉग की शुरुआत में ही हैनी से जुड़ी आपको खबर बतानी है। हैनी ना बहुत ही ज्यादा लिटरली शैतान हो चुकी है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये ना लोगों पे भौंकने लगी है, क्योंकि बिकॉज अब ये बड़ी हो रही है, और लोग जो लोग इससे डरते हैं उसी पे भौंकती, करती कुछ नहीं बस भौंकती। जैसे कि गली से काफी सारे लोग निकलते हैं तो उन पे भौंकने लगती है, ऐसे नहीं भौंकती, मतलब वो लोग जा रहे होते रुक जाते, ऐसे डरने लगते हैं, जब डरने लगते हैं तब ये भौंकती है, वैसे नहीं भौंकती। मैंने इतना समझाया कि ऐसे मत किया करो, सीधे चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोहल्लों में एक दो लोगों को दिक्कत होने लगी है हमारी हैनी दीदी से, इसीलिए आजकल ये परमानेंटली बंधी रहती है। बट इनकी चैन टूट गई, तो अभी हम इनके लिए चैन लेने के लिए जाएंगे। और अभी ये फिर से सब पे भौंकने थे, तो उन्हें यहाँ पे बैठा रखा है। देखो देखो, हाँ काहे भौंक रही, काहे गलत काम करा तुमने, हैं काहे भौंक रही हो सब पे? फिलहाल बजने जा रहा है दोपहर का 2:30, और आज सुबह से मौसम ऐसा ही है, बिल्कुल सुबह से जो है धूप के दर्शन नहीं है, बस बादल ही बादल हैं, और हल्का सा भी पानी बरस रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा बूंदे गिर रही हैं, टप टप टप। फिलहाल हम जा रहे हैं हैनी के लिए जंजीर लाने के लिए, बिकॉज ये काम ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना अभी किसी को काट आट लेगी, बेफालतू में लड़ाई लड़ाई हो जानी है यहाँ पे, तो जंजीर लेके आते हैं। और इन दीदी ने मंगाया अपने लिए कबाब पराठा आज, तो इनके लिए कबाब पराठा ले आएंगे। और आज है गाइस फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या और गुनगुन को देखो, स्कूल में इतने सारे बैंड मिले, गुनगुन के फ्रेंडों ने इतने बैंड बांधे, और दो गिर भी गए रास्ते में, मतलब बताओ कतई इज्जत ही नहीं। हमें जब हम लोग जब छोटे पे बांधते थे ना, उसे संभाल के रखते थे सालों सालों तक। अच्छा भाई, छोटे पे हम लोग को भी बहुत सारे बैंड मिले, दोस्तों सब लोग बहुत बाधा करते थे। बाइक हमने ऐसे मोड़ दी थी और 20 मिनट से यहीं खड़ी थी। मैं चला गया था अंदर कार्ड लेने के लिए, एक्चुअली बाइक में फ्यूल अप कराना था, बट पता नहीं कार्ड ही नहीं मिल रहा, कार्ड कहीं पे रख के भूल गए हैं। तो अभी वैसे है तो फ्यूल अभी चल तो जाएगा, लेकिन सोचा था आज फ्यूल अप करवा दें, क्या पता मशीन सही हो गई हो। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कार्ड से ही क्यों मतलब कि फ्यूल अप करवाता हूँ, ये किसी ने और बताएंगे, जब फिल अप कराएंगे तभी बताएंगे। और इससे ना बड़ा फायदा होता है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और फिर ये चीज आप लोग भी करिएगा, आप लोग का भी अच्छा खासा फायदा होगा। ला चलो चलते हैं चैनल लेने के लिए। है टाइम, टाइम हो गया 3:05, 3:05
गाड़ी निकाला ना को बड़ी दिक्कत रही थी, अगर हमने गाड़ी मोड़ ली और एक मिनट भी यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहे हैं, कहेंगे गाड़ी निकालो कहाँ है यहाँ पे खड़ी करे हो ये वो। इनका कबाब पराठा लाना है तभी इतना मचाए, जल्दी जाओ जल्दी। मम्मी कबाब पराठा मंगा रही है ये, नहीं लाना, मना कर दिया इन्होंने, मना कर दिया। ओ मेरी हेर, ओ ना खफा, ओ मेरी हेर, चले। जोश जोश में घर से निकल आया लेकिन पानी बरसता था, बूंदे गिर रही थी, भीगे तो नहीं पर हाँ अच्छा खासा पानी बरसा। आप देख सकते हैं पूरी बाइक एक तो भीगी गई है। फिलहाल हम आ गए हैं मोटू के यहाँ और अब हम चलेंगे मोटू के साथ कहीं भी, मतलब लेनी तो हमें जल्दी रहने के लिए। बट मोटू बता रहे थे टिक्की खाने का मन हो रहा है, बरसात का मौसम बड़ा अच्छा है बता रहे हैं, यहाँ पे टिक्की वाले भैया बहुत बढ़िया लगाते हैं तो टिक्की खाने हम आए बेसिकली। चलो चलते हैं। सिम चला रहे हैं कतई क्या बताएं। तो जंजीर तो हम लेंगे ही लेकिन पहले हम जा रहे हैं टिक्की खाने के लिए। मोटू भैया को अभी हमने कॉल किया था और इन्होंने ना हमसे बड़ी तारीफ कर दी कि मेरे इधर एक टिक्की वाले लगाते हैं बूढ़े बाबा, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये वो। फिर हमारे मुंह में आ गया भैया पानी क्योंकि है अब ये बता रहे दही नहीं डालते, अरे दही से नहीं मतलब बस टिक्की बढ़िया हो। तो देख रहे हैं चल के भैया कौन है इतनी बढ़िया टिक्की बनाते हैं, मोटू भैया हमें बता रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, टिक्की खाने का मन हो गया यार एकदम से। दिल मेरा लाल आ तो चुके हैं हम लोग कचहरी में, कचहरी में अंदर मामा भी होंगे, ये अच्छा भीड़ तो बहुत है। तो ये है टिक्की वाले भैया, मोटू बता रहा था यहाँ पे बड़ी अच्छी बनाते हैं तो ट्राई करते हैं। मोटू भैया ऑर्डर देने गए हैं, खाएंगे यहीं पे टिक्की कचहरी में, कचहरी में लगाते हैं बेसिकली ये टिक्की खत्म। टिक्की खत्म भाई समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा बिकती है टिक्की खत्म, ये बता भी रहा था कि मतलब बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, यहाँ खत्म भी हो गई, अब क्या करें। अब हमें टिक्की खाने का भूत चढ़ा है, मतलब भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मतलब टिक्की खाने का ही मन हो रहा है। कहाँ चल सकते हो भाई, रखी तो हुई है कुछ लेकिन अच्छा ये लोग खड़ रहे हैं ऑलरेडी, इन लोग ये भी बात है भाई पता। अभी हम ठेले पे गए, हमने बोला अंकल देख लीजिए हो पाए, तो भाई उन्होंने कहा एक बची हुई है, वाह। तो हमने सोचा की बनवा लें, ये तो खाता पीता रहता है कि मैं दोनों लोग खा लेंगे, बस बेसिकली हमें टेस्ट करना है क्योंकि भाई अभी मैं वहाँ पे क्या इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी आएगी एक टिक्की, एक ही टिक्की खाएंगे, चलो एक तो मिली कम से कम। तो यहाँ टिक्की कुछ ऐसी रहती है मतलब बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी रेड रेड, मतलब ये ना इसे दबाते नहीं है, और जो लोग होते हैं टिक्की को दबा देते हैं बट इनकी पूरी फूली फूली रहती है। मटर डालते हैं, धनिया मिर्च डालते हैं, सिंपल इतनी बढ़िया लगती है भाई, बढ़िया क्या लगती है, तुमने जैसा बताया है वैसा बढ़िया लगती है। अभी तो महक से मतलब खा के देखेंगे तो ये रही इनकी टिक्की, ना प्याज ना कुछ, और अच्छे से मिला के दिया भाई, देखने में इतनी टेस्टी लग रही है मतलब बिलीव नहीं मार रहे होंगे, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही, ना जाने ये क्या ही इसमें डालते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। फिलहाल खाते हैं। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी राते कर दे। अच्छी लग रही है मतलब क्या है बताऊँ, मतलब ऐसी टिक्की आज तक नहीं खाई थी, मतलब बिल्कुल फ्लेवर ही अलग है, बाकी सबकी टिक्कियों का फ्लेवर एक जैसा होता है बट इसका फ्लेवर ही अलग है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी है। मोटू ने बढ़िया जगह बताया यार, ये तो मेरे को पता नहीं था, तुम लोग भी ट्राई करना, कचेरी में लगाते हैं, कचेरी वाले गेट में। अरे इसे क्या बोलते हैं जगह का कुछ नाम, गेट पे ही लगाते हैं, एक नंबर टिक्की भाई, मजा आ गया। कचेरी का जो ये वाला गेट है ना यहाँ पे लगाते हो, टाइमिंग बताना जरा। 11:30 बजे 11:30 से 2 बजे तक, मतलब कि जल्दी आना वरना खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाए। बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है यहाँ पे, मोटू तो आता रहता बता रहा बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है यहाँ पे सब। तो अब हम इधर ही कचहरी के अंदर से निकल जाते हैं और बस चैन लेते हैं घर चलते हैं। पानी की बूंदे गिर रही है और मेरे को लग रहा है गुनगुन की कोचिंग भी है आज, तो गुनगुन को कोचिंग भी ले जाना होगा भाई। चाहे जितना पानी बरस रहा हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी ठंडक हो, लेकिन कचहरी में भीड़ जो है कभी खत्म नहीं होती, मतलब कचहरी में ये जो भीड़ है ना हमेशा रहती है, तो जिंदगी भर से रहती आई और हमेशा रहेगी, बिकॉज भाई कोर्ट कचहरी तो लोगों और क्या भाई, केसीएस इतने होते रहते हैं, क्या करा जाए। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी राते कर दे तू भूलन के उजियारी जान मेरे प्राण मेरे, आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। कौन कौन से पेड़ है भैया ये? तो यार यहाँ पे हमें पेड़ मिले हैं बैंगन के और मिर्च के, सोच रहे हैं बैंगन के पेड़ ले लें, इस साल किचन गार्डन में बैंगन के पेड़ नहीं लगे, वैसे लगे रहते थे। एक्चुअली यहाँ कचेरी में ना काफी सारे पेड़ों की पेड़ मिलते हैं तो हम सोच रहे हैं बैंगन की ले लें, लंबे वाले बैंगन की। क्या रेट है? 5 रुपया गड्डी। 5 रुपये गड्डी, कितने पेड़ होते हैं? एक में 5 है। एक में 5 नहीं गड्डी, एक ही गड्डी दे दो, कहाँ इतने लगा ले जाओ, लगा बढ़िया है, बढ़िया वाले थी। चलो गोल बैंगन, गोल बैंगन नहीं लंबे वाले, मिर्च लगी है, मिर्च लगी है, मोटो मिर्चा तू लगाई, कौन से मिर्चा है? पकौड़ी वालों, पकौड़ी वाले, पकौड़ी वाले निकलेंगे पक्का, पक्का चलो ठीक ठीक।
अगर भैया पकौड़ी वाले मिर्चा ना ही निकले भैया पास है वो हम। तो यार हमने जो है ऑलरेडी 10-10 पेड़ ले लिए हैं, 10 पेड़ बैंगन के, 10 पेड़ मिर्च का, सोचो 20 रुपए के हमें 20 पेड़ मिले हैं, ठीक है। और ये कम, हाँ 20 रुपए के 20 पेड़ मिले हैं, एंड ये समझ लो 20 रुपए की सब्जियां हमें कम से कम नहीं तो 1,000-1,500 रुपए से ऊपर के फल खिलाएंगे, सब्जियां खिलाएंगे, यही होता है। हमारे हर साल बैंगन वैंगन के लगे होते हैं, बट इस साल लाना ही भूल गए सब, तो हमने ले लिए हैं, तो लगा लेंगे बैंगन, खाने को मिलेंगे गाइस जल्दी किचन गार्डन के। टिक्की के खाने के बाद हमने ले लिया फाइनली एक चैन अनी के लिए, और बहुत ही मजबूत वाली ली है, वो सब तो उसने तोड़ ली थी, और यहाँ से लिया हमने सब्जी मंडी के अंदर, ये जो लोहा मंडी है ना यहाँ से लिया, एक्चुअली डॉग वाली दुकान पे लेते हैं ना, तो यही जो चैन था कम से कम नहीं तो 250 या 300 रुपए की मिलती, और यहाँ पे 100 रुपए की मिल गई सबसे मजबूत चैन। तो अगर तुम लोगों को भी डॉग के लिए लेना हुआ करे ना चैन, तो यहाँ से लिया करो, डॉग शॉपों से मत लिया करो। तुम इसी पे बैठे, यहाँ पे पानी चू रहा है तुम्हारे, यही होगा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से बैठे और आगे बढ़ो। फाइनली बैक होम जंजीर लेके और पेंट लेके, तो अभी यानी को इसी से बांधेंगे, मजबूत वाली है ये, क्या है कितने रुपए की मिली, 100 रुपए की मात्र, 100 बताओ, 10 उंगलियां करो ऐसे, 100 की मिली, वैसे 120 की बता रहा था, बट थोड़ा सा मोल भाव करके 100 की दे दी, और यही अगर आप डॉग वॉग वाली शॉप से लेते ना, वो 200-250 से नीचे नहीं देता, तभी जंजीर वंजीर लेनी हुआ करे ना, तो वहीं से लिया करो। बाकी यार हम थोड़ा सा भीग गए, ज्यादा नहीं, बस बालल भीगा, गुनगुन दीदी ने हमसे मंगाए थे कबाब पराठा, बट हम लाने भूल गए, हम दूसरे रास्ते से आए थे, अभी गए थे तो बन ही नहीं रहे थे। अरे हाँ वही बात, लाना भूल गए, हम दूसरे रास्ते से आए थे ना, तो उधर कहाँ दुगना दुगना जाते हैं, शाम को जाएंगे तो ले आएंगे। बाकी फिलहाल हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे आपसे जल्दी कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बोलने तो दिया करो यार, ऐसे उसके सामने हाथ करियो, तब तक के लिए गुड नाइट। अरे फिर से नहीं बोलने दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसा तब तक के लिए गुड नाइट। चल भाई भाई भाई।